आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं नया अध्याय जो कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित है, है ना। तो समाजवाद से तात्पर्य आप समझ रहे हैं और क्रांति से भी तात्पर्य समझते होंगे क्योंकि आप हाई स्कूल में आ चुके हैं, है ना। इसलिए आज हम जो आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं, जो पूर्व में अध्ययन कराया था, उसकी मिलती जुलती प्रतिक्रिया के आधार से अब वर्तमान में जो है, पिछले अध्याय में आपने जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा, है ना। स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में पढ़ा। स्वतंत्रता समानता के तात्पर्य आप अगर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या देखेंगे तो इसका आपसे मैं अर्थ पूछूंगा, बिल्कुल साधारण है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के आधार से स्वतंत्रता और समानता यानी एक समान, सभी के लिए समानता, है ना। तो शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। अब रहा सवाल ये कि फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में, किसने, जो फ्रांसीसी क्रांति थी तो फ्रांसी क्रांतिकारियों ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। क्या कर दिया था? अमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, है ना, पूर्व में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले, कब से, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर, कहाँ का समाज, फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स, क्या चीज, स्टेटस और श्रेणियों में बटा हुआ था। यानी स्टेटस से तात्पर्य हमने आपको पूर्व में बताया था वर्गों में, है ना, वर्गों में बटा हुआ है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ऐसा नहीं कि सामाजिक वर्गों में, लेकिन स्टेटस से तात्पर्य आप भी समझेंगे अध्ययन कराने जा रहे हैं जो, तो पूर्व में कराया, इस संदर्भ में आपको स्टेटस से तात्पर्य समझ में आएगा। और जैसा कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेटस और श्रेणियों में बटा हुआ था। अच्छा, जो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, किनका, कुलीन वर्ग और चर्च पर नियंत्रण था, किनका, समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। अच्छा, जब इन दोनों का नियंत्रण था तो क्या हुआ, लेकिन क्रांति के बाद, क्या, क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा था। किसको संभव देने लगा था बदलना, जैसे ये कुलीन और चर्च का नियंत्रण था तो क्रांति के बाद इनको या इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा था, संभावना बढ़ गई थी बदलने की, दिखाई देने की, है ना। तो यूरोप और एशियाई सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, कहाँ, यूरोप और एशियाई सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर, कहाँ, व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। क्या हुआ कि जो ये चर्चा छिड़ी इस पर, तो भारत में भी राजा राम मोहन राय, कौन, राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। ये दोनों ने मिलकर फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। और फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में, कहाँ, क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। जो बहस चल रही थी, बहुत से लोगों ने उसमें अपनी हिस्सेदारी ली, भागीदारी ली, सहमति जताई। और इस प्रकार से फिर क्या हुआ, आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने, कहाँ, जो घटना घट जाती है तो उन घटी घटनाओं ने भी इस विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। जो पूर्व में घटना घट चुकी थी तो उन घटनाओं ने भी इन विचारों को अन्य रूप प्रदान करने में क्या किया, योगदान दिया। मगर क्या हुआ, यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। क्या था, जो यूरोप था, यूरोप में
यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग पक्ष में थे और कुछ लोग पक्ष में नहीं थे, परंतु इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। क्या था? इस सवाल पर सभी की अलग अलग राय थी और बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, है ना। बहुत सारे से तात्पर्य हो गया, जैसे 60% और 40% सहमत नहीं थे, मान लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे क्या हो, वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, एक खेमा बनता था। क्या चाहते थे वो लोग? कि यह बदलाव धीरे धीरे हो और एक खेमा बनता था, इनका एक यूनिटी बनती थी, है ना, और खेमा बनता था कि समाज का अमूल पुनर्गठन जरूरी है। जिस तरीके से हर समाज का, आपने देखा होगा हमारे अपने यहाँ भी समाज का जो संगठन होता है, सभी समाज में, सभी धर्मों में, सभी समाज के संगठन होते हैं, इसी प्रकार से सभी ने क्या चाहा कि समाज पुनर्गठन जरूरी है और कुछ, लेकिन वे चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो, और एक खेमा मानता था कि समाज का अमूल पुनर्गठन जरूरी है। इसी प्रकार से कुछ रूढ़िवादी लोग थे, तो कुछ रूढ़िवादी थे जो कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे। अब रूढ़िवादी उदारवादी से तात्पर्य मैं आपसे पूछूंगा स्पष्ट, बहुत संक्षेप में छोटा सा वो है निष्कर्ष, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। रूढ़िवादी और उदारवादी, तो कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी, या अमूल परिवर्तनवादी थे, अमूल परिवर्तनवादी थे तो रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। काय के पक्ष में थे? वो रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों को, उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या महत्व था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे, क्या था जो इन समय संदर्भ में कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, है ना। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और हर परिवेश में एक ही नहीं होता। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस अध्याय में, अब आपको ये भी बतलाते हैं कि इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसा पूर्व में अध्ययन अपन 17वीं 18वीं शताब्दी के कर चुके थे, अब इसी प्रकार से इस अध्याय में हम क्या करेंगे, 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला, क्या किया उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्या करेंगे, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया, क्या किया गया, समाज के एक रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। अच्छा, रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ मालूम है आपको? रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले, क्या था, 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। अब जैसा कि अपन ने अध्ययन किया, अब इसके पश्चात अपन उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी के संदर्भ में पढ़ेंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा था उदारवादी और रूढ़िवादी। तो अब ये जो अध्ययन कर रहे हैं अपन, उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी, तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। ये जो समाज के परिवर्तन होते हैं ना, तो इसमें कुछ का समर्थन हाँ में रहता है, कुछ का ना में रहता है, कुछ उदारवादी रहते, कुछ रूढ़िवादी रहते। इसी प्रकार से समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह
उदारवादियों का था। अच्छा, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे, उदारवादी क्या चाहते थे, ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, है ना, बराबर का सम्मान मिले। परंतु होता यह है, शायद इस अध्याय में हम सम्मान मिले, ठीक है ना। तो अब आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में, समझ रहे बात को, कि आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अभी आप ये देख रहे थे जो उदारवादी लोग थे वो सभी लोग चाह रहे थे सभी धर्म के लोगों को समान सम्मान मिले, है ना, समानता का दर्जा मिले। परंतु आप यहाँ भी देखिए कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ब्रिटेन की सरकार, जो ब्रिटेन था ना, तो ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। जैसा कि हमारे अपने भारत देश में भी देखा होगा, दो मसीही बंधु हैं, एक कैथलिक है एक रोमन कैथलिक है, है ना। कुछ लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, कुछ लोग माता वेलांगनी माता को मानते हैं, माता मरियम को। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति थी, है ना। तो मानव की दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस कार्य के संदर्भ में, जैसा कि मैंने भारतवर्ष के धर्म के जो अंगाई हैं अपने मसीही बंधुओं के संदर्भ में जानकारी दिया कि ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी और ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, और उदारवादी समूह वंश क्या था, जो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोध थे। किसके थे, जो अनियंत्रित सत्ता थी, तो अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधार थे। किसके, वे जो थे, ये मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान दे रहे कि नहीं आप, ठीक है ना। इसलिए मैं अब यहाँ बतला रहा हूँ कि वे सरकार के समक्ष व्यक्तिगत मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, है ना, कौन थे मैं आपसे पूछूंगा, इसका ध्यान दीजिए थोड़ा आप। अच्छा, और उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या के अधिकार का नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो जो पक्ष शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और शिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए, तो होता यह है कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए, परंतु यह समूह लोकतांत्रिकवादी, जिसको अपन डेमोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है, लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, समझ रहे हैं, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में थे, ठीक है। तो ये लोग जो थे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार, वोट का अधिकार देने के पक्ष में थे। ध्यान दे रहे हैं आप मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, समझ रहे हैं बात को आप। हम इसलिए इस प्रकार से नहीं थे और नहीं थे के तात्पर्य ये कर रहे थे कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं, इसलिए तो पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल सत्ताधारियों को ही मिलना चाहिए, समझ रहे बात को आप। उनका क्या मानना था कि वोट का अधिकार केवल सत्ताधारियों को ही मिलना चाहिए। तो अब जो सत्ताधारियों को मिलना चाहिए, तो इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग जो हैं ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, बिल्कुल ठीक, क्या है, जो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन और आधारित
पर आधारित हो, ठीक है। अच्छा, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, ठीक है। इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, लेकिन उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किए भी तरह, समझ रहे बात को हम, जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, क्योंकि वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे, चूंकि इसलिए कि रूढ़ीवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़ीवादी तबका है रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़ीवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे, समझ रहे बात को आप। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़ीवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे, और पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़ीवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, समझ रहे बात को आप। यानी पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़ीवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे। क्यों? क्योंकि कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, समझ रहे हैं अतीत से तात्पर्य, अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो जाए, है ना। इसलिए इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुत बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, है ना। और इनमें से बहुत सारे लोग महिला अधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। अच्छा, जो उदारवादियों के विपरीत थे, वे बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे, वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति केंद्र का विरोध जरूर करते थे।